नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो रीट भर्ती रिजल्ट को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपकी कौन कौन से छात्र हैं जो भर्ती से बाहर हो सकते हैं दोस्तों, और आपका रिजल्ट डेट के बारे में भी इस वीडियो में बात करूँगा कि आपकी रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है, फाइनल आंसर की दोस्तों आपकी कब आएगी, कट ऑफ में क्या आपकी फाइनल आंसर की के बाद दोस्तों कट ऑफ बढ़ेगी, और 60,000 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों चुना जाएगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, राजस्थान रीट की आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो बीएड अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है, रीट शिक्षक भर्ती से दौड़ से वो बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जिनकी बीएड की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, ऐसे में अभ्यर्थी रोजाना विश्वविद्यालय पहुंचकर परीक्षाएं जल्द कराने की गुहार लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कहना है कि जो रीट की विज्ञप्ति आई थी दोस्तों उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि रीट का परिणाम से पहले आपका बीएड अंतिम वर्ष का रिजल्ट आना जरूरी है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट के अच्छे नंबर हैं, 31,000 पदों के लिए भर्ती हुई थी दोस्तों, तो कोरोना की वजह से दोस्तों काफ़ी समय मिला था स्टूडेंट को, तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट के 135+ स्कोर आ रहा है। ये देख सकते हैं चंदमौली एक जो स्टूडेंट है उसने कहा है कि हमारी बीएड की एग्जाम नहीं होती है तो हम इस रीट के प्रमाण पत्र का क्या करेंगे, जब हमारी एग्जाम ही नहीं कराई जाएंगी तो हम जो है रीट से दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फाइनल आंसर की है और जिस प्रकार से आपकी प्रोविजनल आंसर की आई उस हिसाब से रिजल्ट आपका 15 नवंबर तक जारी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और मान के 10 नवंबर तक ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको ज़्यादा समय नहीं है, इतने समय में अगर जो एग्ज़ाम नहीं करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भर्ती से बाहर हो जाएंगे स्टूडेंट जो बीएड अंतिम वर्ष के छात्र हैं। 2018 में भी ऐसा हो चुका है दोस्तों, रिजल्ट नहीं आया था इस वजह से वो भर्ती से बाहर हो गए थे। लेकिन अब दोस्तों आपकी जो बात करूँ कि कट ऑफ क्या आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, तो दोस्तों बता दूँ फाइनल आंसर की के बाद आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। हालांकि आपके लिए खुशखबरी ये है कि रीट की जो विज्ञप्ति आई थी 31,000 पदों के लिए, वो दोस्तों यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। और कट ऑफ की बात कर लूँ तो दोस्तों कट ऑफ लगभग लेवल फर्स्ट की कट ऑफ, हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो 132 तक जा सकती है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, अच्छा स्कोर किया स्टूडेंट ने। और लेवल टू की बात करूँ दोस्तों तो लेवल टू में भी लगभग आपकी 127 नंबर यहाँ पर कट ऑफ है वो जाने की संभावना है। और 3.18 लाख प्रमाण पत्रों की वैधता रद्द हो गई थी, इसलिए बोर्ड ने पेपर आसान दिया था। लेकिन दोस्तों कट ऑफ भी हाई जाएगी। पदों में बढ़ोतरी की बात करूं तो 31,000 से पदों को बढ़ाकर आपकी जो है मांग की जा रही है, 50,000 पदों को करने को लेकर लगातार स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। अगर पद बढ़ते हैं तो दोस्तों कट ऑफ भी कम हो जाएगी और 115 तक भी स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा अगर 50,000 पद होते हैं, क्योंकि दोगुना स्टूडेंट को चुना जाएगा दोस्तों, और दोगुना स्टूडेंट चुने जाएंगे तो 1 लाख स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना जा सकता है। हालांकि संभावित वेकेंसी और आगामी 2 वर्षों में नए स्कूल खुलने वाले की रिपोर्ट मांगी गई है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से, लेकिन अभी पदों में बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी दोस्तों रिजल्ट जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आपका जो बीएड और बीएसटीसी कोर्ट का जो मामला है दोस्तों उस पर कोई सुनवाई नहीं हो जाती। हालांकि आज सुनवाई होनी थी लेकिन दोस्तों अब इसको पेंडिंग कर दिया गया है, 2 दिन बाद आपकी सुनवाई होगी दोस्तों और रिजल्ट उसी के बाद ही जारी किया जाएगा। जब तक दोस्तों कोर्ट के आदेश नहीं आ जाते हैं तब तक आपका जो है रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनल आंसर की के बाद दोस्तों आपका रिजल्ट है वो लगभग 7 दिन में आ जाएगा। और यहाँ पर बात करूँ दोस्तों कि कितने स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चुना जाएगा, तो लगभग 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, राजस्थान रीट की आपको सभी प्रकार की अपडेट मैं देता रहता हूँ। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अपने नंबर भी कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।